अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा दिखने में। ये गांव का रेसिपी, इसका नाम है पना बरा। चलो हम बनाते हैं। अम्मी ने लाए थे मार्केट से इमली, इसको अच्छे से धुलकर एक सीटी लगा देंगे कि अच्छे से ये उसमें गल जाएं। उसके बाद गांव से लाए थे अब्बू गुड़, तो उसको हमने अच्छे से पानी में धुलकर अच्छे से इसको मतलब उबालेंगे, अच्छे से पक जाएगा ये। उसके बाद मतलब ये बहुत टेस्टी बनती है। दाल भिगो के रात में रखे थे हमने, चने का दाल ऐड करते हैं, व्हाइट उड़द ऐड करते हैं, उसको अच्छे से पीस कर, उसको पीसने के बाद उसमें जो कोथमीर का पत्ता होता है ना, वो इसमें जरूरी है भजिया में, तो कोथमीर का पत्ता उसमें ऐड करेंगे। और ज्यादा क्वांटिटी लेना है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बना रहे हैं। ये बनाते हैं मतलब ठंडी के टाइम पे मोस्टली बनता है, और अम्मी ज्यादा बनाने लगाते हैं क्योंकि अम्मी को ना फिर मतलब जो रिलेटिव रहते हैं उनको देना होता है, और वाकई ये बहुत टेस्टी बनता है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, गरम मसाला, घर में जो बनाते हैं नॉर्मल ना, वो गरम मसाला डालना, बाहर का पैकेट वाला नहीं डालना है। और घर में मोस्टली बना के रखो जो नॉर्मल सा गरम मसाला इसमें ऐड है, जीरा और धनिया सूखी, और उसके बाद 5-6 दाना काली मिर्च, वो पीस कर इसमें डालना होता है। और ये चिली फ्लेक्स रखा हुआ था तो तीखा करना था थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता, तीखा मुझे पसंद भी है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा तीखा नहीं, नॉर्मल तीखा भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं अम्मी ने मिक्स कर ही दिए थे, फिर मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल के इसको और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और देखो ये भजिया कितनी टेस्टी बन रही है ना, दिखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है, माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है। और इस कम से कम मैंने बहुत सारा बनाई थी, जितना ये भगोला बना बड़ा है ना, मतलब भर के जितना दाल मैंने पीसी हूँ उतना पूरा अकेले मुझे कम से कम 1.5 घंटा, तो सिर्फ 2 घंटा भजिया बनाने में लग गया। मैं अम्मी से बोली कि अम्मी मेरे को वीडियो बनाना होता है, प्लीज कम दो कि मैं जल्दी से बना के फ्री हो जाऊं। मैं क्या वीडियो बनाऊंगी, पेपर चल रहा था इसलिए वीडियो डाल भी नहीं पाई। इसको 3 दिन हो गया बना के, अब इसका वीडियो मैं डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है माशाल्लाह। इसको ना हमें मतलब दाल है ना बैठ जाता है, तो इसको मतलब छन्नी वगैरह से नहीं पलटना होता है। जो घर में छुरी रहेगी या कोई पतली चम्मच होगी ना, उससे एक एक करके छुड़ाना होता है, बहुत अच्छे से मतलब ना फूलता है। अब हम वो ग्रेवी बनाना, उसका मसाला निकाल रहे हैं। सूखी धनिया, जीरा, काली मिर्च, इसको हल्का सा गर्म करके पीस दी मैंने। अब इसमें कांदा, लहसुन और सूखी मिर्ची मैंने ऐड की, क्योंकि ज्यादा मतलब तीखा नहीं, मीडियम रहेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खट्टा, मीठा, तीखा सारा टेस्ट इसमें अवेलेबल होता है। अब मैं इसमें भगोला चढ़ा दे रही हूँ गैस पर, तेल डालूंगी। कांदे का पत्ती जो मैंने कटिंग की थी ना, उसका कांदा मैंने निकाल के रखी थी, उसी को लाल करना है। इसका भी कांदे से अलग इसका टेस्ट होता है, अच्छा बनता है इसमें ग्रेवी वगैरह। फिर जो मैंने मसाला पीसी थी वो ऐड की हूँ। इसमें हल्दी ज्यादा डालना है क्योंकि ये हल्दी का कलर इसमें ऐड होता है। हल्दी मसाले के अकॉर्डिंग डालते हैं, लेकिन जो पीला बनता है ना, तो इसमें हल्दी थोड़ा ज्यादा डालते हैं, क्योंकि जो चावल का आटा, इमली का पानी और गुड़ मिक्स होता है ना, उसमें हल्दी मिक्स होता है, और बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी रहता है। आप देख रहे हो ये इमली जो मैंने सीटी लगाई थी गल चुकी है। अम्मी इसको ना घोट रहे हैं, इसका पानी निकालेंगे, और जब तक निकालेंगे तब तक इसमें से खट्टापन खत्म ना हो जाए। 2-3 बार मैंने छान रही पानी को, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, कभी ट्राई करना। मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी, पेपर चल रहा था मेरा, और अल्लाह का शुक्र है पेपर सब अच्छा गया, और आज मैं वीडियो 3 दिन बाद डाली हूँ। ये मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वीडियो डाल सकूं मैं। आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया था कि मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर, और मेरा वीडियो भी देखो प्लीज। बहुत आपको अगर कोई चीज जाननी रहेगी ना कैसे क्या बनाना, मुझे आप कमेंट करिए, मैं पक्का वो बनाकर वीडियो अपलोड करूंगी। मेरा मसाला लाल हो गया था अच्छे से, वो कितना अच्छा कलर आया है ना। अब इसमें मैंने वो पानी ऐड किया, और तीनों को जो कढ़ी बनता है ना वैसे ही इसको पानी ऐड करना था, थोड़ा थोड़ा करके। देखो मैं ऐड कर रही हूँ, ये उसमें आटा चावल का मिक्स है, और गुड़ मिक्स है, और उसके बाद इमली का पानी मिक्स है, उसको अच्छे से नीचे बैठ के अच्छे से मिक्स करके फिर डालना होता है। वरना इसमें ना जैसे कढ़ी होता ना, मतलब कढ़ी में मिक्स अच्छे से दिखने लगता है, गांठ बन जाती है, वैसे बन जाता है, लेकिन कंटिन्यू चलाओगे ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, अच्छे से एकदम मुलायम बनता है ये पेस्ट। मैंने बहुत सारी भजिया तली थी, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी सारी भजिया तली थी खड़े के। मैं सच में 1.5 घंटे तक सिर्फ भजिया ही तल रही थी, इतना टाइम लग गया। 3 घंटा हमें बनाने में लगा क्योंकि ज्यादा बन रहा था, इसीलिए 3 घंटा लगा। ये भजिया इसमें डालकर ना फिर इसको चलाकर फिर इसके ऊपर फिर से भजिया डालना होता है, फिर चलाना होता है। ऐसे ही देखो कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसको थोड़ा सा चटनी की तरह भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है, प्लीज ट्राई करो। थैंक यू।